हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल दो क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ओलंपियाड प्रश्न बैंक लेके आए हैं जो सत्र 2023-24 के लिए और किस स्तर के लिए, माध्यमिक स्तर के लिए है। और इस ओलंपियाड प्रश्न बैंक के माध्यम से हम आज आपको विषय गणित के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो कक्षा 6 से 8 हेतु है। और जी, आपकी ओलंपियाड प्रतियोगिता कब होने वाली है? ये ओलंपियाड प्रतियोगिता आपकी 25 अगस्त 2023 को प्रथम चरण होगा। यह जनशिक्षा केंद्र स्तर पर होगा, जो बच्चा इससे पास करता है तो, और उसके बाद ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर प्रदेश स्तर पर उसके एग्जाम होंगे जब वह परीक्षा को पास करता है। और आपको परीक्षा पास करना है तो इस ओलंपियाड प्रश्न बैंक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है, उन्हें ध्यान से पढ़िए। ये बुकें हर स्कूलों के लिए दी गई हैं, जो अभी स्कूल तक उपलब्ध तो नहीं हुई, लेकिन PDF के माध्यम से बताया गया है। तो आपकी जो ओलंपियाड प्रश्न बैंक 2023-24 के लिए, विषय क्या है आपका? गणित, कक्षा 6 से 8, और इसके द्वारा बनाया गया, मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 77 से स्टार्ट किए हैं। इसमें भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में आपको हमने 25-25 क्वेश्चन बताए हैं, और ये आपका भाग 4 है। ये प्रश्न क्रमांक 77 से शुरू है। प्रश्न नंबर 77 क्या कह रहा है? क्षमा एक दिन में 255 रुपये कमाती है, तो वह एक सप्ताह में कितने रुपये कमाएगी? तो देखिए, एक दिन में कितने रुपये कमा रही है वो? 255 रुपये। तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो हम 255 में 7 का गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद जो आएगा वह यहाँ पे चारों ऑप्शन में से वह आपका आंसर होगा। 7×35 की 5, हासिल की 3, 7×35 और 3, 38 की 8, हासिल की 3, 7×2 14 और 3 17, कितना आ गया? 1785। अब देखिए, चारों ऑप्शन में से दिया है कि 1785, हाँ दिया हुआ है। कौन से नंबर पर दिया? ए नंबर पर। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए नंबर का 1785। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किरण को कबाड़ बेचने के बाद 100 रुपये के एक नोट, 50 रुपये के 3 नोट, 20 रुपये के 2 नोट और 10 रुपये के 3 नोट मिले, उसे कुल कितने रुपए मिले? देखिए, यहाँ कह रहा है 100 रुपये का एक नोट, तो चलिए 100×1=100 रुपये मिल गए। उसके बाद क्या कह रहा है? 50 रुपये कितने नोट हैं? 3 नोट हैं, तो 50×, क्या कर देंगे हम? 3, 50 का 3 में गुणा किए तो 150 रुपये। नेक्स्ट अगला है, 20 रुपये के 2 नोट हैं, तो 20×2=20×2=40 रुपये। उसके बाद 10 रुपये के 3 नोट, 10 रुपये के 3 नोट यानी कितने रुपये हो जाएंगे? 30 रुपये। 10×3=3 कितने हो गए? 30 रुपये। अब इसको क्या कर लीजिए, आप जोड़ लीजिए। 0×5 में 4 जोड़े 9, 9 में 3 जोड़े 10, 11, 12 की 2, हासिल का 1, 1 में 1 जोड़े 2 और 1 3, कितना है? 320। तो उसे कुल कितने रुपये मिले? तो उसे कुल कितने रुपये मिलेंगे? 320 रुपये। तो अब देखिए, जो चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन में 320 रुपये दिया है क्या? हाँ दिया हुआ है। कहाँ दिया? बी नंबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का 320। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनस रिक्शों से एक दिन में कुल 1050 रुपये कमाता है और एक रिक्शे से उसे 70 रुपये मिलते हैं, तो उसके पास कुल कितने रिक्शे हैं? देखिए, अनस रिक्शों से एक दिन में कुल 1050 रुपये कमाता है और एक रिक्शे से 70 रुपये, तो उसके पास कुल कितने रिक्शे हैं? ये बताना है आपको कि उसके पास कुल कितने रिक्शे हैं। तो हम क्या करेंगे, 150 में वो 1050 में 70 का भाग दे देंगे, तो हमें मालूम हो जाएगा उसके पास कुल कितने रिक्शे हैं। चलिए देखते हैं, भाग देखें, चलो बटे में लिख के भाग दे देते हैं। 1×0 से 1×0 कटा, अब 7×7, 7×7 बच गया 3, 7×5=35, कितना आया? 15। तो हमने जो सॉल्व किया इसके आधार पे, उसके पास कुल कितने रिक्शे होंगे? 15 रिक्शे। अब 15 यहाँ ऑप्शन है, लेकिन देखिए, ए नंबर में 20 है, बी नंबर में 25, सी नंबर में 15 और डी नंबर में 10, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से आपको प्रश्न को हल करके देखना पड़ेगा, तब आप आंसर बता पाएंगे। नीता अपनी दोस्त को 450 रुपये उधार देती है, उसकी दोस्त 3 माह बाद 540 रुपये वापस करती है, तो उसे कितने अधिक रुपए मिले? तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो 3 माह बाद उसे जो 540 रुपये मिले, उस 540 में से 450 को घटा देंगे। 540 में से 450 को घटाते हैं, चलिए 540 में से किसको घटाना है हमें? 450 को। चलो घटाते हैं, 0×0 घटाए 0, 4×5 नहीं घटेगा, उधार लेके 14×14 में से 5 घटाए, कितना बचा? कितना होता है? 9। कितना आ गया यहाँ पे? अब यहाँ पे इसके पास 1 बचा था, सॉरी 4 बचा था, 4 में से 4 घटाएंगे, 0 आ जाएगा, कितने रुपये आ जाएंगे? 90 रुपये। अब यहाँ ऑप्शन में दिया है क्या? हाँ, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर का 90 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 किलो रद्दी कागज 6 रुपये में बिकता है, तो 42 किलो रद्दी कागज की कीमत कितने रुपये होगी? जब आपको 1 किलो रद्दी कागज का मूल्य मालूम है कितना रुपये? 6 रुपये, तो 42 किलो, तो आप क्या करेंगे? 42 में 6 का गुणा कर दीजिए, तो आपको सही आंसर मालूम हो जाएगा। चलिए, 42×6, 6×12 की 2, हासिल का 1, 6×24 और 1=25, कितना आ गया? 252। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन, ये 252 रुपये, 52 किलो रद्दी कागज की कीमत कितने रुपये होगी? 252 रुपये, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 252। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक टंकी की धारिता 80 लीटर है, एक टंकी की धारिता कितनी है? 80 लीटर है, तो 5 लीटर माप वाली बाल्टी से टंकी कितने बार में भर जाएगी? तो आप क्या कीजिए, इसमें
सीधे 80 में 5 का भाग दे दीजिए तो आपको मालूम चल जाएगा कि टंकी कितने भर जाएगी। तो चलिए भाग दे के देखते हैं, 80 भागित 5, 5 एकम 5 बच गया कितना 3, उतारे शून्य कितना हो गया 30, 5 छक्का 30 कितना आ गया 16। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का 16। तो 5 लीटर माप वाली बाल्टी से टंकी 16 बार में भर जाएगी। तो इसका सही आंसर डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 लीटर शरबत को 10 एक जैसे गिलासों में बराबर भरना है तो प्रत्येक गिलास में कितना शरबत आएगा। क्या कह रहा है, प्रत्येक गिलास में कितना शरबत आएगा 1 लीटर। अब 1 लीटर में को मिलीलीटर बदल दीजिए तो कैसे उसका सही आंसर आपको मालूम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 100 मिलीलीटर। प्रत्येक गिलास में कितना आएगा 100 मिलीलीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने 500 मिलीलीटर मिलकर 5 लीटर बनाएंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, कितने 500 मिलीलीटर मिलकर 5 लीटर बनाएंगे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 10 500 मिलीलीटर मिलकर क्या बनाएंगे 5 लीटर। इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीला को 1 लीटर पानी की बोतल को पूरा भरने के लिए 5 बार छोटी बोतल से पानी भरना पड़ता है, लीला की छोटी बोतल में कितना पानी आएगा। प्रश्न क्या है, लीला को 1 लीटर पानी की बोतल को पूरा भरने के लिए 5 बार छोटी बोतल से पानी भरना पड़ता है तो लीला की छोटी बोतल में कितना पानी आएगा। तो आप 5 का भाग किस में दे दीजिए, 1 लीटर में, तो एक तो आपको मालूम हो जाएगा 5 दूनी 10। तो अब देखिए इसको हम हल करके बताते हैं, इसका सही आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी नंबर का आ जाएगा 200 मिलीलीटर। 5 दूनी 10 और जो 1000 में किसका भाग दे दिया हमने, ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य 5 शून्य 5 शून्य कितना आ जाएगा 200 मिलीलीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यूसुफ अपनी चाय की दुकान पर 1 गिलास चाय बनाने के लिए 20 मिलीलीटर दूध का प्रयोग करता है, 100 गिलास चाय बनाने के लिए कितने दूध की आवश्यकता पड़ेगी। 1 गिलास दूध में 20 मिलीलीटर दूध की आवश्यकता पड़ती है तो 100 गिलास में कितनी हो जाएगी। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे जो आंसर दिया है लीटर में दिया है तो आपको पहले मिलीलीटर में, मिलीलीटर से काय बदल देंगे लीटर में बदल देंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। तो पहले 20 का किसमें गुणा कर दीजिए 100 में, कितना हो गया 2000 मिलीलीटर। अब 2000 मिलीलीटर काय बदल दीजिए लीटर में तो 2000 मिलीलीटर को लीटर में बदलेंगे तो कितने लीटर आ जाएगा 2 लीटर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का ऑप्शन 2 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ दिया है 1 लीटर, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं वह मत देखना है। तो 350 बराबर 350 मिलीलीटर धन खालिस्तान धन 250 मिलीलीटर, यहाँ पे कितना मिलीलीटर को 350 और 250 में जोड़ेंगे तो 1 लीटर के बराबर हो जाएगा। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1000, तो आप 1000 करने के लिए 350 में 250 को जोड़िए तो कितना हो गया 600 हो गया, और 1000 में से 600 घटा दीजिए, 1000 में 600 घटाएंगे कितना आएगा 400। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर का 400 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 लीटर की एक बाल्टी को 3 लीटर माप वाले एक जग से पानी से भरा जाता है, बाल्टी में कितने जग पानी आएगा। तो 3 5 15, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, प्रश्न नंबर 88 का बी नंबर, 15 में 3 का भाग दिए 3 5 15 यानी 5, बाल्टी में कितने जग पानी आएगा तो 5 जग पानी आ जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नीतू ने अपने घर के टपकते हुए नल में 500 मिलीलीटर माप की बोतल बांध दी, 1 घंटे में बोतल पूरी भर जाती है तो 24 घंटे में टपकते हुए नल से कुल कितना पानी इकट्ठा होगा। क्या कह रहा है, यहाँ पे नीतू ने अपने घर से टपकते हुए नल में 500 मिलीलीटर माप की बोतल बांध दी, 500 मिलीलीटर अब 1 घंटे में बोतल पूरी भर जाती है तो 24 घंटे में क्या होगा, तो 500 × 24 कर देंगे जो भी आएगा। तो इसका जो आंसर आ जाता है, इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का 12 लीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चींटी 1 मिलीलीटर शरबत पीती है तो 1000 चींटियाँ कितना शरबत पीएंगी। एक चींटी कितना पी रही है 1 मिलीलीटर, तो 1000, तो अब 1000 गुणित क्या कर देंगे 1, तो क्या हो गया 1000 मिलीलीटर, और मिलीलीटर को हम लीटर में बदलेंगे तो 1000 मिलीलीटर बराबर होता है 1 लीटर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन 1 लीटर, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 लीटर पानी की बोतल को 500 मिलीलीटर माप की पानी की बोतल से कितनी बार में पूरा भरा जा सकता है। क्या कह रहा है, 2 लीटर पानी की बोतल, 2 लीटर को आप कायम बदल दीजिए मिलीलीटर में तो मिलीलीटर बदलेंगे कितना हो जाएगा 2000, और 500 का भाग आप 2000 में देंगे तो आपको उसका सही आंसर मालूम हो जाएगा। अब देखते हैं हम किस में भाग देना है, देखो 2 लीटर है तो 2 लीटर, ये क्या है आपका 2 लीटर, इसको कायम बदलेंगे मिलीलीटर में तो कितना 2000 मिलीलीटर हो गया, और इसमें किसका भाग दे देंगे 500 का, ये 2 शून्य से 2 शून्य कटा 5 एकम 5 5 के 20। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर का 4, पानी की बोतल को 4 बार में पूरा भरा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बिल्ली 100 मिलीलीटर खीर खाती है तो 100 बिल्लियाँ कितनी खीर खाएंगी। एक बिल्ली कितनी खा रही 100, तो 100 बिल्लियाँ 100 × 100 यानी कितना हो गया 1000, 10000। अब 10000 को कायम बदल देंगे आप
यहाँ लीटर में आंसर, तो लीटर में आ जाएगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 10 लीटर। कितना आ जाएगा? 10 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कागज 1 लीटर पानी की बोतल को लेकर स्कूल, काजल 1 लीटर पानी की बोतल को लेकर स्कूल जाती है। स्कूल में उसने बोतल में से 200 मिलीलीटर पानी पिया, तो उसकी सहेली प्रिया ने उसी बोतल से 250 मिलीलीटर पानी पिया, तो बोतल में कितना पानी बचा? तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000। ठीक है, ये 1000 मिलीलीटर हो गया। अब 200 मिलीलीटर पानी किसने पिया? काजल ने, और उसकी सहेली जो है प्रिया ने, कितना? 250। आप 200 में किसको जोड़ दीजिए? 200 धन 250, 200 में 250 जोड़े तो कितना आ गया? 450। और इस 450 को 1000 मिलीलीटर यानी 1 लीटर से घटा दीजिए, 0, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 4 गए 5, 550 मिलीलीटर। कितना आ जाएगा? 550 मिलीलीटर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, 550 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 लीटर पानी के बर्तन को 500 मिलीलीटर पानी की बोतल में कितनी बार में पूरा भरा जा सकता है? तो आप क्या करेंगे इसमें? इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर का, 10 बार में। अब 10 बार में कैसे आएगा? देखो, 5 लीटर मीन्स 5000 मिलीलीटर हो गया, ये 5000 मिलीलीटर, और 500 मिलीलीटर पानी की बोतल से कितनी बार में पूरा भरा जाएगा? तो 5000 में किसका भाग दे देंगे? 500 का। ये 2 शून्य से 2 शून्य क्रॉस हुए, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 500 यानी 5 का भाग 50 में कितने बार गया? 10 बार। तो यहाँ पे 10 ऑप्शन में है क्या? हाँ, इसका डी नंबर का ऑप्शन 10 है, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 750 मिलीलीटर दूध में कितना और दूध मिलाने पर दूध 1 लीटर हो जाएगा? तो आपको पहले ही बता दिए 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000। तो 1000 में से हम क्या करेंगे? 750 को घटा देंगे, 1000 में 750 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा? 350 मिलीलीटर। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन, सॉरी, क्या करेंगे हम 1000 में से घटा के देख लेते हैं, 750 को घटाए तो 250 आएगा, 0, 5 और 9 में से, तो 250 इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, 250 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनल 1 लीटर पानी की 2 बोतल लेकर स्कूल जाती है। 1 लीटर पानी कितनी बोतल? 2 बोतल। उसे स्कूल में बोतल में से 800 मिलीलीटर पानी पिया, उसकी सहेली प्रिया ने उन्हीं बोतलों से 400 मिलीलीटर पानी पिया, तो बोतल में कितना पानी बचा? देखिए, 1 लीटर की 2 बोतल ले गए, तो 2 बोतल ने कितना हो गया? 2000 मिलीलीटर पानी ले गए। कितना? 2000 मिलीलीटर, जिसमें 800, 400, 1200 मिलीलीटर क्या हुआ? पानी पिया गया। तो कितना बच जाएगा? 2000 में से 1200 घटाए तो 800। इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर का, 800 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97, 650 मिलीलीटर जूस में कितना और जूस मिलाने पर जूस 1 लीटर हो जाएगा? तो देखिए, यहाँ पे 1 लीटर करना है, तो 1 लीटर को हम कायम बदल देते हैं मिलीलीटर में, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000, और 1000 में से 650 घटा दीजिए तो आपको मालूम हो जाएगा। घटाते हैं, चलिए, 0 में 0 गया 0, 0 में से 5 नहीं घटेगा, उधार ले गए, कितना होगा? 10, 10 में से 5 घटाए 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 6 घटाए 3, कितना आ गया? 350। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, 350 मिलीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबीना घर में उपयोग किया हुआ 25 लीटर पानी प्रतिदिन अपने बगीचे में उपयोग कर लेती है, जनवरी महीने में कितना पानी बगीचे में उपयोग करेगी? प्रश्न क्या कह रहा है? सबीना घर में उपयोग किया हुआ 25 लीटर पानी प्रतिदिन अपने बगीचे में उपयोग कर लेती है, जनवरी महीने में कितना पानी बगीचे में उपयोग करेगी? 25 लीटर पानी प्रतिदिन, प्रतिदिन एक दिन में 25 लीटर, तो जनवरी माह में कह रहा है, तो क्या करेंगे हम? अब यहाँ पे आपका प्रश्न है कि जनवरी महीने में, जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं, 31 में 25 का गुणा कर दीजिए। चल देखते हैं, 31 × 25, 25 एकम 25 की 5, हासिल की 2, 25 × 3 = 75, 75 में 2 जोड़े तो 76, 77, 775। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 98 का डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जनवरी माह में 31 दिन होते हैं और एक दिन में 25 लीटर दूध और पानी प्रतिदिन बगीचे में उपयोग किया जाता है, एक दिन में 25 लीटर, इसलिए 31 दिन में, तो 25 × 31 किए तो कितना है? 775। तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहन को एक इंजेक्शन से एक बार में 5 मिलीलीटर दवाई दी जाती है, तो इसी इंजेक्शन में 5 बार में कितनी दवाई दी जाएगी? देखिए, एक बार में 5, तो 5 बार में 5×25 मिलीलीटर, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर का, 25 मिलीलीटर। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, 500 लीटर की क्षमता वाली 5 टंकियों में कुल कितना पानी आएगा? तो क्या करेंगे? 500 को 5 गुणा कर दीजिए, 500 × 500 × 5 = 25, यानी 2500 लीटर पानी आएगा, कुल कितना पानी आएगा? तो 2500 लीटर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए नंबर का। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न 100 का जो उत्तर है ए नंबर का आएगा, क्योंकि 500 लीटर की क्षमता वाली 5 टंकियों में कुल कितना पानी आएगा? तो देखिए, एक टंकी में 500 लीटर, तो 5 टंकी में 2500 लीटर। इस प्रकार बच्चों, आपके यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 100 तक हमने आपको बता दिए, और ये ओलंपियाड परीक्षा
के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विषय क्या है आपका गणित। आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडिया क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।